और इस वक्त की बड़ी खबर, सिद्धू होटल से बाहर निकले हैं। आपको बता दें और पर्यवेक्षकों के साथ जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। इससे पहले पर्यवेक्षक राहुल गांधी के साथ बातचीत कर रहे थे और अब सिद्धू होटल से बाहर निकल चुके हैं। पर्यवेक्षकों के साथ बैठक खत्म हो गई है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि पर्यवेक्षकों के साथ बैठक चल रही थी। राहुल गांधी को बताया जा रहा था कि आखिर क्या राय है विधायकों की और उसी को लेकर ये बैठक चल रही थी और अब बैठक खत्म हो गई है। सिद्धू होटल से बाहर निकल चुके हैं। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है जो आप देख रहे हैं। सिद्धू होटल से बाहर निकल चुके हैं पर्यवेक्षकों के साथ। इससे पहले बैठक चल रही थी। अजय माकन और हरीश चौधरी को पर्यवेक्षक के तौर पर चंडीगढ़ भेजा गया था और उसी को लेकर उन्होंने विधायकों से बातचीत की। जो विधायक दल की बैठक होने वाली थी आज 11 बजे वो कैंसिल हो गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने विधायकों की राय जरूर ली और कल शाम भी 5 बजे बैठक हुई थी। नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, और क्या जानकारी है बैठक में, क्या निकल कर सामने आया? देखिए, बैठक खत्म हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू पिछले कई घंटों से मौजूद थे यहाँ जेम मैरियट होटल के अंदर, पर्यवेक्षकों से बातचीत कर रहे थे और कुछ विधायक यहाँ जो थे वो निकल चुके हैं। फैसला का क्या हुआ है अब तक बताया नहीं गया, लेकिन इस वक्त दिल्ली में भी एक बैठक चल रही है। राहुल गांधी उस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें अंबिका सोनी और दूसरे कांग्रेस के नेता शामिल है। अमरिंदर राजा बराड़ से बात करते हैं। अमरिंदर राजा बराड़ से बात करेंगे, उनसे कोशिश करेंगे बातचीत की कि क्या हुआ है, कब तक चेहरा सीएम पद का सामने आएगा, वो हमसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि जो बार बार ये कहा जा रहा था कि हिंदू सिख सीएम बनेगा, उस पर कहीं ना कहीं अब संदेह के बादल आ गए हैं, क्योंकि खुद अंबिका सोनी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि सिख सीएम बने। हमारे साथ बातचीत करने को तैयार हैं अमरिंदर राजा बराड़, उनसे बातचीत करते हैं। अमरिंदर जी, क्या हुआ बैठक में, क्या कुछ हुआ ये बताइए। नीरज जी, कोई इस प्रकार की कोई ऐसी बैठक हुई नहीं है। हम लोग सुबह से यहाँ पर थे, अपने अपने एमएलए, अपने अपने विचार, अपनी अपनी डिस्कशन, लेकिन हाई कमांड ने जो कल का निर्णय था, जो कल सीएलपी में सबने सहमति जताई कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को अधिकार दिए, उस वही बात पर सब विधायक और सब नेता कायम है। फैसला अब हाई कमांड ने लेना है। लेकिन हाई कमान की तरफ से अंबिका सोनी के नाम को रखा गया था, अंबिका सोनी ने कहा कि वो बनना नहीं चाहती, कोई सिख बनना चाहिए। आप लोगों की क्या राय रही, आप लोगों से भी संपर्क किया था पर्यवेक्षकों ने? नहीं, मेरे को लगता है ये सब अटकलें लगाई जा रही हैं कि फलां का नाम तय किया था, फलां नहीं। किसी ने कोई हमारे से संपर्क नहीं किया है। कल जब हम आए थे वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने अपनी अपनी बातचीत रखी, हमें कहा कि आपको सोनिया गांधी या पार्टी पे, हमने सब लोगों ने एक ही सहमति जताई कि हम सब लोग सहमत हैं सोनिया गांधी का जो भी अंतिम निर्णय होगा। सब लोग जानना चाहते हैं कि 24 घंटे होने को है, अब तक सीएम के चेहरे का ऐलान क्यों नहीं हुआ, कब तक होगा? मेरे को लगता, जो ये मैं कह सकता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि आज ही हो जाएगा। आप भी कोई डिप्टी सीएम बन सकते हैं? मेरे को तो ऐसा अभी तक तो मैं कुछ बना नहीं, लेकिन हर बंदे के सपने होते हैं, कभी कुछ होगा तो ठीक है, नहीं तो चलेगा ऐसे ही। हाँ, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं अमरिंदर राजा बराड़, और काफी विरोध प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन्हें लगता है कि आज सीएम पद के चेहरे का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा। जी,